मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टैंक्स। एटीएम तोड़कर पैसे चोरी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पहले चोर एटीएम के पास आता है, उसके बाद ये बाहर निकलकर चला जाता है, मगर ये फिर दोबारा एटीएम के पास आता है और उसके बाद एटीएम तोड़कर चोरी करने का ये मामला सामने आने के बाद चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला उल्लास नगर के फ्लोर लाइन स्थित जवाहर होटल के सामने लगे यूनियन बैंक के एटीएम का है। मध्यवर्ती पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये शातिर चोर पहले भी शहर के एटीएम को तोड़कर पैसे की चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है, लेकिन अब ये चोर पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जाँच पड़ताल कर रही है। क्या हुआ है एटीएम? मेरा नाम निवृत्ति पाटने है, मैं लोकल रिप्रेजेंटेटिव करके ये लोकेशन में काम करता हूँ। तो आज के दिन में हमारा जो यूनियन बैंक का एटीएम है वहाँ पे मुझे कॉल आया ओनर का कि कोई एक लड़का था जो शटर टेम्परिंग कर रहा था। तो तुरंत मैं इधर ही बाजू में था, टॉकीज के बाजू में, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं तुरंत आया। तब तक वो लड़के को पुलिस स्टेशन में लेके गए थे पुलिस वाले। क्या पुलिस जो लड़के ने उसने पैसा निकाला है क्या उसने? हाँ यस सर, वो पैसा निकाला है और हमारा ये मशीन का भी एक पार्ट डैमेज हो गया है, तो इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 2-3 दिन जाएगा। पुलिस से आपकी बात हुई है क्या? सर जी मैं पुलिस स्टेशन गया था, एक जन से मिला मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा लड़का वगैरह नहीं आया है करके। लेकिन मैं रिपोर्टर को अंदर देखा ऑफिस में, सीसीटीवी कैमरा में फुटेज आ गए होंगे। हाँ सर, और हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन में उसको जो भी है लड़का उसका फुटेज लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे।